हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार मलिक चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के पार्ट दो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किसके द्वारा संगठित की गई थी? सुभाष चंद्र बोस, राम बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंद्रशेखर आजाद। सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दो, भगत सिंह ने किसके साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था? चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में उस समय बम फेंका था, सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी, इसका उद्देश्य सरकार को डराना मात्र था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर तीन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1919, 1927, 1916, 1928। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1928 में। सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर चार, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? बी आर अम्बेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या जयप्रकाश नारायण। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भगत सिंह। विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा तथा सुखदेव ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की पुनः स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर पाँच, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? कानपुर में, दिल्ली में, इलाहाबाद में, लाहौर में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिल्ली में। सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर छः, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने किस प्रकार मार डाला था? फांसी देकर, मारपीट करके, मुठभेड़ में, गोलियों से, सैनिक जीप से कुचलकर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुठभेड़ में गोलियों से। 27 फरवरी 1931 को एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इन्हें इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया और इनके द्वारा अंतिम गोली शेष रहने की स्थिति में स्वयं प्राणोत्सर्ग कर लिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर सात, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इकबाल, महात्मा गांधी, भगत सिंह या एस सी बोस। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया था, जबकि भगत सिंह ने इस नारे को लोकप्रिय बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आठ, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? 21 वर्ष, 21 वर्ष से थोड़ी अधिक, 25 वर्ष या 25 वर्ष से थोड़ी अधिक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 21 वर्ष से थोड़ी अधिक। भगत सिंह का जन्म सितंबर 1907 में हुआ था। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9, सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरुदेव को किस तारीख को फांसी दी गई थी? 12 नवम्बर 1930, 23 मार्च 1931, 7 सितंबर 1931 या 4 मार्च 1931। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 23 मार्च 1931। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, जिस कारण 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? फिरोजपुर में, अमृतसर में, लुधियाना में या गुरदासपुर में।
आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फिरोजपुर में। फिरोजपुर में शहीद भगत सिंह स्मारक स्थित है, जहां प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, सरदार भगत सिंह और राजगुरु। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बटुकेश्वर दत्त। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को मौत की सजा सुनाई गई थी, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर सेक्युलर जेल अंडमान में भेज दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्ड मुस्लिम कौन थे? मोहम्मद अली, शौकत अली, अशफाक उल्ला खां या जीजुद्दीन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। उन्हें काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद में 19 दिसंबर 1927 को फांसी की सजा दे दी गई। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13, मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नालिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? काकोरी रेल डकैती, चंडगांव शस्त्रागार का छापा, मेरठ षड्यंत्र कांड या कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड। मुजफ्फर अहमद, S.A. डोंगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता कानपुर बैस बोल्ड षड्यंत्र कांड में शामिल थे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार पर धावा आयोजित किया था? लक्ष्मी सहगल, सूर्य सेन, बटुकेश्वर दत्त, J.M. सेन गुप्ता। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सूर्य सेन। चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर धा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन ने आयोजित किया था। सूर्य सेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु में शहीद होने वाला कौन था? सुखदेव, अशफाक उल्ला खान, खुदीराम बोस, हेमू कालड़ी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, खुदीराम बोस। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को हुआ तथा फांसी 11 अगस्त 1908 को हुई थी। मात्र 18 वर्ष की उम्र में यह शहीद हो गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? मेरठ षड्यंत्र, पेशावर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र या चटगांव सशस्त्र लूट। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाहौर षड्यंत्र। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद 1929 को इनकी मृत्यु हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जेल में भूख हड़ताल के कारण किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हो गई थी? भगत सिंह, बिपिन चंद्रपाल, जतिन दास या S.C. बोस। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जतिन दास। लाहौर षड्यंत्र केस में जेल में 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को जतिन दास की मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? आचार्य नरेंद्र देव, गोविंद बल्लभ पंत, चंद्र भानु गुप्ता, मोतीलाल नेहरू। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोविंद बल्लभ पंत। पंडित मोतीलाल नेहरू ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में काकोरी कांड बचाव समिति का गठन किया था। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महात्मा गांधी, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक या अरविंद घोष। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहौड़ी, रोशन सिंह या अशफाक उल्ला खां।
आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ। इस घटना में 29 क्रांतिकारियों में राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में जेल में फांसी की सजा दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, नंबर 21। किस क्रांतिकारी नेता ने कोलकाता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टैगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? सचिंद्रनाथ सान्याल, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, गोपीनाथ शाह। आपका सही उत्तर ऑप्शन डी, गोपीनाथ शाह। 12 जनवरी 1924 को गोपीनाथ शाह नामक भारतीय क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टैगार्ट की हत्या करने का असफल प्रयास किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, नंबर 22। किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? शांति घोष, सुनीता चौधरी, बीना दास, कल्पना दत्त जोशी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बीना दास। फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय बहुत नजदीक से गवर्नर पर गोली चलाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, नंबर 23। किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, भगवती चरण बोहरा या सचिंद्रनाथ सान्याल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भगत सिंह। भगत सिंह ने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। लाठी क्लब, हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव आदि की स्थापना या शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां, वीर सावरकर और वासुदेव चापेकर, प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस या सूर्य सेन और उधम सिंह। आपका सही उत्तर ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा दी गई थी। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आगे भी इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।